ऊपर मेनीज है, आई थिंक केचप है। मुझे बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, दिल में पड़ ली। ओए 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 ओए, खाओ यार, खाओ, ट्राई करो। क्या हो गया आजकल के बच्चों को, केचप से भी एलर्जियां शुरू हो गई है। कौन सा फ्लेवर है? फ्रूटी पान। फ्रूटी वैसे मेरी फ्रूटियों से लड़ाई चल रही है आजकल। रोजा खुल गया है आज का। आज हमारी बीवी हमें खजूर नहीं खिला पा रही क्योंकि वो नमाज पढ़ रही पीछे। आज बहुत ही बुरी हेडेक हो रही थी मुझे पूरा दिन। आज का रोजा बहुत मुश्किलों से गुजारा। ये डायनो नगेट्स कहाँ से आ गए? केले से ले, देखो बतख। ये डायनासोर वाले नगेट है ना, ये मैं इतने शौक से खाता था बचपन में। एक चिकन टेम्पूरा मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है अगर आप स्कूल में बचपन में ले जाओ ना ये चीज, तो उसका मतलब है तो आप अकेले नहीं खा रहे। अम्मी ना मैं लंच बॉक्स पैक करके देती थी। मुझे याद है मैं लंच बॉक्स खोलता ही था ना तो यूं आठ हाथ आते थे, जुक 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 सारा मेरा खाना ले जाता है। एंड में एक क्रिकेट बच जाता था, वो मैं खाने लगता था। वो भी यूं करके ईगल आती थी साइड से, ले जाती थी मेरा। उसके बाद मैंने नहीं लेके गया लंच बॉक्स था, मैं ना फिर पैसे लेके जाके कैंटीन से खाता था। आप अमीर बच्चे थे, हमें तो मामा ब्रेड अंडा बेचारे। जब मांगते होते थे बच्चे स्कूलों में यार, तो पैसे मांगते थे आप बार बार। आपसे बोतल पी रहे हो, बोतल का सिप मांग रहे। सिप क्या होता था, आधी बोतल पी जाते थे। मैं क्या करता था, जाके कैंटीन से पिज्जा वीजा जो भी लेना ना, लाइन में लग के जल्दी से पकड़ के जाके कोने में खाता था। फिर भी कोई हराम दा ढूंढ लेता साइड में। एक्चुअली बिक्रम उसमें ज्यादा मांगते थे, एलजीएस में नहीं थे। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आज का प्लान ये है ड्रीम लाउंज, एक कैफे यहाँ पे जिसका मैंने भी लास्ट व्लॉग में बात की थी ना, तो उसके ओनर ने आई हेट बिल्कुल ड्रीम लाउंज वाले कैफे जो ओनर था ना, जिनके लास्ट व्लॉग में हमने देखा होगा, उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया था कि आओ जरूर आओ और यू नो आके व्लॉग भी बनाओ और आके हमारी तरफ से हुक्का शुक्का चाय शाय पियो, एंजॉय करो। तो मैं और फिजा एंड मेरे ब्रदर, उसकी वाइफ और उनका आई थिंक एक और कोई दोस्त आ रही है वो वहाँ पे ना, मैंने उनको भी कहा था कि वो आ जाए। तो वहाँ पे जाते हैं, आपको वहाँ के सारे सीन दिखाते हैं ड्रीम लाउंज के। ठीक है, हम रवाना हो गए हैं ड्रीम लाउंज की तरफ। थोड़ा सा लेट हो गए यार, वो सफ्तारी खोलते खोलते आप लोगों से बातें करते पता ही नहीं चला। मैं हमेशा फिजा हो गया था यार, फिजा जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते चलते फिजा रेडी बैठी थी, खुद रेडी हो रहा था, जल्दी से चलो जल्दी, ताकि सारा ब्लेम फिजा पे आ जाए। बाय द वे 50K सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे, बहुत से लोगों के लिए शायद बड़ी बात ना, लेकिन आए मेरे लिए तो है। अब 100K की तरफ यू नो खुशी को लेके बैठ नहीं जाना चाहिए बस हाँ बड़ा हो गया ये वो फलाना, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी 100K, उसके बाद 500K, फिर सीधा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलियन पे, और जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर जाएंगे। आप लोग देखना, वादा है मूसा खाना का। बिफोर वी गो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। आई विल सी यू एज़ वेल। सीन ये है कि हम यहाँ पे आ गए हैं, ये रहा सामने ड्रीम लाउंज एंड कैफे। जो ओनर है वो भी आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर ना, दोनों ओनर्स हैं, तो वो 9 बजे तक आएंगे, अभी 10 मिनट रहते हैं। तो फिलहाल हम अंदर जाते हैं, चेक करते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हाय, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? मूसा बिलाल, क्या हाल है तुम्हारा? ईद का चांद आ गया, बड़ी देर बाद मिला फिर से। यार वो जो ओनर है ना वो आता है थोड़ी देर में, काफी फिट सीन है यहाँ पे, आप जैसे चेक कर सकते हो ना, हीटर वगैरह लगा हुआ है सारा ना, अच्छा किया बाहर बैठे हुए हैं। बॉयज सीन ये कि हम जो ओनर है अभी वो आ रहे रास्ते में, तो उन्होंने बहुत ही हेवी किस्म के लोडेड फ्राइज ला के दिए भाई, ये तो खा के हार्ट अटैक। आप लोग पहले खाओ ना, चेक करो, ट्राई तो करो। बिलाल भाई खाओ भाई, याद हो गए यार। बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं नहीं नहीं, अब नया बन गया। ओए होए होए, पाकिस्तानी स्टाइल वाले नहीं होते जो, अच्छा चटपटे फ्राइज टाइप है। इन्होंने कहा इनका खाना भाई बहुत वो है देसी स्टाइल में ना, ऊपर मेनीज है, थिंक केचप है। दिल में पड़ ली। ओए होए 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 होए, भाईजान क्या कमाल की है यार, आपने तो नहीं बनाए बाकी यार, बहुत मजे के चटपटे किस्म के लाहौरी मुझे फ्राइज याद आ गए। वो डर ही गया बेचारा। कोई मसला नहीं, फ्लैश ऑन की हुई है और कोई मसला बंदा मुजरिम लगता है। आगे ना वो जो पद्दू के अच्छे पहले होते थे, गंदा मसाला होता था यार, कसम से क्रिस्टेंट वाले फ्राइज ही याद आ गए। मैं बता रहा हूं कि स्कूल के बाहर से मिलता है ये, तो 9 out of 10 है आराम से। फ्राइज खाओ यार, खाओ, ट्राई करो। Wait, what? Yeah. That's like not even tomato. Ketchup is like... Ketchup is tomato. It is, but it's artificial. I got a blister after that day. क्या हो गया आजकल के बच्चों को? Ketchup से भी एलर्जियां शुरू हो गई है। Oh really? Oh, that's fine. आजकल के बड़ों को क्या हो गया भाई? Ketchup नहीं खा सकते, एलर्जी हो गई है। See? No ketchup at all. Okay.
No. There's literally ketchup right oh there. Oh my god. There's like one atom laga hua ketchup ka. Koi nahi, hum hospital saath hi le jayenge. Koi masla nahi. To ye chicken tikka pizza, I think, with jalapeno on it. Theek hai. This is very unique and different. Bazaari pizza time nahi hota tha wahan pe. Aisa hum kahan se khate the Lahore ke andar? Time pizza. Pizza time. Pizza time. Hukke bhi acche hain. Bhai wo hukka dengi aunty. You said you were older than me. Yeah, but I'm not a booty mom. What the heck? Yeah, pilo main mazak kar raha tha. Main to waise hi. I deal with him every day, so I'm. Oh yeah, he's the worst. I think Bilal is the sharifest in all our brothers, actually. You are. Oh yes. I need to meet these other brothers. Ek se to mil liya. Wali thoda savage hai. Anyways, hook ka taste se kaun sa flavor hai? Fruity paan. Fruity paan. Fruity. Waise hi meri fruitiyon se ladai chal rahi hai aajkal. Puff taste. Oye hoye hoye hoye. I mean nothing fruity about this fruity paan. Very good actually. Kya score doge isko? Isko main dunga sheeshe mein. I would say very smooth 8.5 out of 10. Butter chicken pizza hai. I think ye aap kha sakte ho, usme tomato wagaira nahi hai. Nahi hai peeche mein chala. Butter chicken mein base hai na uski. Aur chai bhi hamari aa gayi hai. Thank you boss. Main tumse to ladai ho jaye, aage tomato rakh le banda. Gun ki jagah. Tomato mara rakh ke. Butter chicken pizza. Never have I ever had a butter chicken pizza. So that's new. Oh, this is good. Oye, 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 oye. Ye side pe mukhi. Dekhne ke liye na keh raha pagal aa gaya. 10 out of 10. One of the best pizza I ever had. What the hell? Yaar kha ke dekho to butter chicken. Butter chicken ka bhi taste aa raha hai. Pizza ka bhi alag se aa raha hai. Aur matlab aa hi ja raha hai. Ab Hamza inki chai ko taste test karne lage hain. यार क्या जालिम चाय बनाई है? दूध पत्ती. I don't think so. I think it's way better than a दूध पत्ती. दूध पत्ती बहुत पक जाती है. It's not like overly cooked. शायद हो सकती दूध पत्ती. This one's really thick. The milk is thick. अच्छा? दूध शायद ज़्यादा और इश्यू ज़्यादा हो. प्यार ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा. Assalamualaikum. क्या हाल चाल है यार? Yeah, you're the co-owner, right? Yes. क्या चाय की क्या स्टोरी है? Sitara knows that chai is the best in all of DFW, maybe across the US. Damn. It's okay. If you believe, then it is. Then it is. I have people from all over the city just to get chai. They won't do hookah or anything. Really? But they'll just come to get the chai and they'll leave. And what's the price of the chai? Only $3. That's perfect, yeah. बहुत सही मुनासिब प्राइस है. अच्छा इरादी चाय है वैसे ये. Yeah, we also have pot for $9. It serves 4 to 5 people. Yeah, that's a better deal. So pot लो आप यहाँ पे आके $9 के ठीक है 4 to 5 people को सर्व करेगा. Right next to Almarcus. आगा जूस भी सामने ही है. तो जो लोग डेलस एरिया में ह्यूस्टन वाले भी जो मुझे देख रहे हैं जरूर जब यहाँ पे आओ ड्रीम लाउंज पे आप ना आना. आपके हुक्के की एवरेज प्राइस क्या होगी? आपके डेली कस्टमर्स आ रहे हैं यहाँ पे. Two-thirds of our customers are daily customers. They're loyal. They come here every day. As you know, most people want to come and relax at a hookah lounge, have chai. They want to feel like they can see a familiar face. Okay, ये हीटर लगाया मुझे शादी याद आ गई. वो जो टेंटो वाली होती थी. तो मतलब आपने प्रॉपर आउटडोर वाला इतना अच्छा सीन किया हुआ है. सारों ने इंडोर रखी होती उससे सर पे चढ़ता है हुक्का. Our concept is very like low key community home feel. People can come in any dress that they want. I see people here come in their PJs, sweats, tank tops, whatever. But I'll never see them like that in any other hookah lounge. होए 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 Powerpuff Girls कहाँ से ले आए? इसमें आपका फेवरेट कौन सा? हम पहले वो पियेंगे. So my favorite is the mango mojito. Mix it up nicely from the bottom. लो जी mango mojito को mix करें नीचे से. होए 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 यार नवीद भाई क्या करी जा रहे हो यार. वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. मतलब सही अपने मैंगो अंदर ने छोड़ा हुआ असल. नहीं नहीं ऑब्वियसली होता है ना आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स भी होती है ना. नहीं नहीं आर्टिफिशियल यार बड़ा मजे के और रिफ्रेशिंग है इसमें. आई थिंक वो एक मिंट वाला फ्लेवर भी आ रहा है. इजिली 9.5. ट्राई करो रेसिपी देखो इनकी चुरा सकते हो कि नहीं. कौन सा हम ट्राई करें? ब्लू रेंजर ट्राई करते हैं आज. जी ब्लू लगून. सारे कैसे देख रहे हो? सारे देख रहे हैं. सारे मुझे देख रहे हैं. नहीं देखे देखे यार. बहुत बहुत मजे का. आई लव इट यार. 9 स्ट्रॉ बेबी. ओके ओके बेबी लेट्स सी. ये भी बहुत मजे का. 8.9. लेकिन मैंगो वाला तो यार पी के उड़ गया था मैं. क्या आपने इसके अंदर सरूर डाला. बॉयज एंड गर्ल्स आपने कभी आइस वाला हुक्का पिया है? वो लिटरली उन्हें सूंडी में बर्फ ही डाल दिया. तो वो नीचे से जब खिंचता हुआ आ रहा है ना धुआं तो वो ठंडा होकर निकलता है मुंह से. एंड इसकी बेस्ट बात ये कि मुंह ये मतलब मुंह कह रहा हूँ
ये अंदर नहीं जाके मतलब ऐसा दर्द मदर नहीं क्या कहेंगे व्हाट्स द वर्ड सूदिंग यस अंदर जाके बहुत सूदिंग है और बड़े प्यार से निकल रहा है प्यार से जा रहा है यू नो ये देखो जरा मैं कहता हूँ क्या मेंटोस होगी क्या चीज होगी जो आपने हुक्का बना दिया यहाँ पे हमें और हमारे आदिल भाई के फेवरेट कस्टमर्स हैं ठीक है ये मुस्तफा भाई ये सो हमारे पुराने फेस फाइव के दोस्त हैं आजकल भाई फेस फाइव के लोग मुझे कैंसिल करें तुम ना कर देना नहीं, मैं कहाँ कैंसिल करूंगा भाई जान अपनी तो आप बताओ आप कितना आते हैं यहाँ पे आप लोग एवरी डे दैट्स क्रेजी इज इट लाइक जस्ट अ रमजान थिंग और रोज ही चार चार शीशे सबके लिए एक एक रखा हुआ है पांच ओए होए होए वाकई बड़े यार तुम लोगों में स्टेमिना मेरे से तो पिए ना जाए लेकिन आई थिंक हुक्का अच्छा है इसका क्या मतलब था व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस प्लेस क्या यहाँ पे जो वाइब्स आपको ये बात सही की है बाकी और अमेरिका में ऐसा घर वाला माहौल ढूंढना मतलब अपने देसियों का फिर चाय इट्स रियली रियली हार्ड भाई ये तो डेली कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं हाँ खाना वाकई खाना इनका बहुत अच्छा है आई एग्री लाइक आई हैड द पिज्जा बटर चिकन पिज्जा भाई ऐसी चीज कभी खाई नहीं मैंने फिर भी स्टैमिना नहीं बन रहा है ये बड़े नॉटी है भाई नहीं यार मैं ना हुक्का का इतना बड़ा फैन वैसे पर्सनली नहीं हूँ आई लाइक द लाइक सिगार एंड लाइक पाइप वगैरह इस तरह की चीजें लेकिन यहाँ पे बोला पाइप नहीं तो ओके आई अंडरस्टैंड वेरी डीप क्वेश्चन यू हैड नो पन इंटेंडेड दोनों मारो ऐसे लोग मिलते हैं ये तुम्हें पता है ना जो मुंह में लेने वाली बातें करता है वो खुद पीछे पीछे से नहीं पीछे क्या नहीं कोई आगे आगे से सब आगे आगे से सबके सामने लेते हो पांचों पाइप इसको दोस्तों ऐसे मुंह में लेने की बड़ी आदत हैंडल कर लोगे पांच एक टाइम एक्सपीरियंस भाई यहाँ पे मैं शरीफों वाला लेने आया था ये तो मुंह में लेने की पाइप देने की गलत कर लिया यार बहुत फ्रेंडली मजे की वाइब है और अगर आप लोग डेली आते हो फिर इंशाल्लाह मैं भी आऊंगा डेली यहाँ पे लोग आते हैं एक फैमिली मतलब माहौल कम्युनिटी बनी हुई है तो जो भी डेलस ह्यूस्टन वाले ड्रीम लाउंज कैफे में जरूर आओ इस कैफे को हमने जमीन से ऊपर उठाना है सड़क से ऊपर उठा के लेके जाना है इंशाल्लाह ठीक है अपनी पार्टी लोग कहीं जाते भी है ना तो रात यहाँ पे खत्म करते हैं अच्छा मतलब शहरी तक यहीं बैठे रहते हैं यार जिंदगी में और कुछ नहीं है काम चलो फिजा कह रही थी तुम कभी किसी टेबल में जाके बैठ रहो कभी किसी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन टिकटॉक एनीवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग